नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। 2022 के चुनावों को लेकर भाजपा के दिग्गजों का अलीगढ़ में दौरा लगातार जारी है। आज भी अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विधानसभा अतरौला में एक सभा को संबोधित किया गया। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस, सपा व आरएलडी पर जमकर तंज कसे। अलीगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। अमित शाह ने मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए मनमोहन सिंह की सरकार पर खूब वार किया। अमित शाह ने कहा कि लाल टोपी वालों के राज में सिर्फ गुंडों और माफिया थे। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे बगैर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। एक ऐसी व्यक्ति जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, कुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर बरकर मारकर राम जन्म काम के पुलिस वरना वो गुंडों से डरती थी, भागती थी। पूरे देश में पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। और पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया जब ढूंढते हैं तो 3 जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के सदर सीट से प्रत्याशी आरपी सिंह यादव ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरसों के तेल से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम को मुद्दा बनाया। बता दें कि नामांकन करने के बाद सपा प्रत्याशी आरपी यादव ने बाबा रामदेव पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि बाबा रामदेव भारत सरकार से बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने का कष्ट करें। उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पेट्रोल कम रेट में बिकने की वकालत की थी। आपके बाद ऐतिहासिक जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी का इस समय तूफान चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है और माननीय अखिलेश यादव जी की लहर है। जो उन्होंने 2012 से 17 तक काम किए थे उसकी लहर है और इस सरकार में महंगाई जो कड़वा तेल का रेट 70 रुपया था वो 200 हो गया, जो डीजल पेट्रोल का रेट 50-55 था वो 100 के पार हो गया, जो रसोई गैस 450 की थी वो 1000 की हो गई। और बाबा रामदेव जी से मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो पेट्रोल का रेट 55 रुपया से 35 रुपया हो जाएगा। बाबा जी, वो 35 रुपया कब होगा? नरेंद्र मोदी जी से बात करके 35 रुपया में पेट्रोल कराने का कष्ट करें। आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति को विशेष निगाह रखेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार के लिए किए गए खर्च प्रत्याशियों के चुनाव खर्च से जोड़े जाएंगे। बता दें कि देवरिया में इस बात की जानकारी मीडिया प्रबंधन प्रभारी व मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद ने दी। उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम क्रू सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की निगरानी की जाएगी। आप भी सुनिए अमृत लाल बिंद ने क्या कहा। सामान्य निर्वाचन 2022 में अभ्यर्थियों द्वारा अपने सोशल मीडिया खाते के बारे में सूचना दी जानी है। उनके द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर जो भी प्रचार सामग्री दी जानी है उसको अनुप्रमाणन कराना उसका जरूरी होगा, उसके बाद ही उसका प्रकाशन करा पाएंगे। और उन्हें जिन माध्यमों से प्रचार कर रहे हैं उनकी सारी सूचना दिया जाना बहुत जरूरी होगा, उसके लिए सभी को निर्देश दिए हैं। गाजीपुर में सातपुर विधायक सुभाष पासी ने वर्चुअल मीटिंग के बारे में चर्चा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद में बजट पेश हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर हर बात को सामने रखा। टैक्स को लेकर उन्होंने बारीकी से बताया कि आवास की भी चर्चा की है और पूरे देश में संदेश दिया गया। विधायक सुभाष पासी ने महिलाओं की बात पर कहा कि सभी को भीमराव अंबेडकर के सामने मताधिकार का प्रयोग करने की आजादी दी है, वह किसी भी जाति को वोट डालने का निर्णय सब समान होता है।
देखिए आज वर्चुअली मीटिंग रही जिसके अंदर कल बजट पेश हुआ सदन में, संसद में माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उस बजट को लेकर के और पहली बार जनता के समक्ष आकर के उन्होंने अपनी बात रखी, जो बजट आया है बहुत अच्छा बजट है। उन्होंने जो संविधान बनाया अपने मताधिकार का उपयोग उन्होंने सबके लिए एक ही रखा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति हो, चाहे एक आम आमदा आदमी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, उसे भी वोट देने का एक ही अधिकार है। और वैसे ही हमारी जो माताएं बहनें हैं जो आती हैं उनको भी अधिकार सिर्फ एक है। सिद्धार्थनगर में वन विभाग की ओर से विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम जिले के नौगढ़ में मझौली सागर के पास आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीणों को वेटलैंड कार्यक्रम को लेकर जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के CDO पुलिस शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को लेकर लोगों को संबोधित कर जागरूक किया। इनके अलावा कार्यक्रम में DFO चंद्रेश्वर सिंह समेत SSB के प्रभारी कमांडेंट अमित सिंह समेत वन विभाग SSB के जवान मौजूद रहे। संदेश सभी नागरिकों को, सभी को देना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में जो जो वेटलैंड है उनकी जो आवश्यकता है, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे वो बाढ़ के पानी को या बारिश के पानी को उसको अपने अंदर टटोलने के लिए हो, तो सभी से मैं यही कहूँगा कि अपने क्षेत्र में अपने सभी वेटलैंड को, जो आपके तालाब हैं, जो छोटे छोटे तालाब हैं हर जगह और जो भी इस तरीके के बड़े सागर भी हैं, तो उन सबको बचा कर रखें, उन सबको संभाल कर रखें, वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वेटलैंड डे का आज का थीम जो है वर्ल्ड स्तर पर जो जारी किया गया है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये वेटलैंड का संरक्षण का हमारा परम उद्देश्य मानव कल्याण के लिए है और हम सब मानव का ये परम कर्तव्य है कि वेटलैंड का हम संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें, क्योंकि वेटलैंड का जिस तरह से विनाश हो रहा है आगे चल कर के हमारा मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। जल ही जीवन है और वेटलैंड से ही वाटर रिचार्ज होने के उपरांत ही जमीन के अंदर से हमको पानी प्राप्त हो रहा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रामगढ़ पुलिस ने कारखाना के पास छापा मारकर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चौक मौके से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह प्रकरण थाना रामगढ़ से संबंधित है, जहां SO रामगढ़ ने एक सफलता प्राप्त की है। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके द्वारा एक चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री को इन्होंने पकड़ा है। इन दोनों अभियुक्तों का नाम अमर और गुड्डू है, दोनों रामगढ़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा चौड़ा है जो आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इनके पास से लगभग 15 तमंचे, 315 बोर बरामद हुए हैं, एक अधबना तमंचा बरामद हुआ है, दो कारतूस बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और कुछ सुराग और हैं, इनसे संबद्ध व्यक्तियों के बारे में और जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही और बड़ा खुलासा होगा। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रक वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 2 फरवरी को ये सूचना प्राप्त हुई कि विदेशी शराब की तस्करी हरियाणा से हो रही है। इसी क्रम में सैयद राजा थाना SOG और सर्वेलांस की टीम पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन के क्रम में जांच एवं घेराबंदी के पश्चात इस ट्रक को पकड़ा गया। इस ट्रक से लगभग 1.5 करोड़ की विदेशी शराब जब्त की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। इसमें लगभग 949 पेटी शराब बरामद की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना सैयद राजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है,
दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चंदावली गांव से सरपंच के पिता गिरिराज यादव पर सोते हुए सात बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने सरपंच के पिता के साथ साथ नौकर और मालिक के साथ जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। पारक HSID पारक वन में चौकीदार जो राम सिंह है उसको छोड़ रखा। कुछ लोग यहाँ चोरी के नियत से आए, जब इसने उसने रोको टाकी करी तो वो जो है कहने लगे अभी आ रहा हूँ तुझे अभी बताता हूँ। वो मेरे पास, मैं घर पे सो रहा था धूप में अपने कमरे के अंदर नीचे जो है, तो वो कहने लगा कैसे ऐसे आए, मेरा मैं कोई नहीं आ रहा तू यार ये कह कहा कैसे लगे होंगे। मैं फिर सो गया सदर तान के। आपको 5 मिनट बाद ही जो है एकदम शोर हुआ, धै बराबर उन्होंने तो मेरे को भी, मेरे नौकर जो रहता है यहाँ रामू जो है उसको भी, अरे कि ये था और भी जो भी आए उनको सबको धै बराबर लठ मारने शुरू कर दिया। उन पर तलवार भी थे, डंडे थे। कितने लोग थे ये? 10-12 लड़के थे। ये मैं ये बैठे मंदिर के पीछे, मैं कह रहा था क्या कर रहे हो, तो ये कहने लगा गाड़ी वाड़ी देने लगा था। मैंने कहा ये गाड़ी देने लगा, ये कहना अभी बताता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है मैं आ गया। मैं सरपंच साहब तक गया, सरपंच साहब ऐसे से बात है, वे धमकी दे रहा, लड़का ने बुलाने कर रहा है ना, कोई बात ना, ऐसी कोई बात नहीं, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। उसके बाद मेरे 2-10 बार छोरा बुला लिए थे, बुलाते ही आते वो डंडा मारे, सरपंच साहब पे मारे, कई सबन मारे, उन पर डंडा भी है, तलवार भी हथियार भी है। तो आप सभी के साथ मारपीट करिए, मारपीट करिए लग रही है। भी मामला नहीं था, हम लोग उनको जानते भी नहीं कौन है। एकदम से यहाँ से पार्क में से गए हैं सीधे, मेरे पाप फादर पीछे सोए हुए थे और एकदम से वो भाई थे जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं और जो हमारे यहाँ पे बैठे रहते हैं, आए और एकदम से मारने लगे, वाइपर तोड़ा है और सर्वर फोड़ दिए सबके और सब चीजें गिर दिए, डंडे वंडे बजाए। कोई चौकीदार था उससे उनकी किसी बात को लेकर पार्क में हुई बता रहे हैं। चौकीदार इनके पास मदद के लिए आ गए, वे चौकीदार के पीछे आए थे जैसे बता रहे हैं अभी मौखिक जी। और उन्होंने आके सरपंच साहब के साथ मारपीट करी है और अब कंप्लेंट सरपंच साहब दे रहे हैं। जैसी कंप्लेंट देंगे मुकदमा दर्ज करके शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में अवैध संबंधों के शक का पता चलने पर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरे मामले में जानकारी दी जा रही है कि आरोपी का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका उसकी पत्नी लगातार विरोध कर रही थी। इसी विरोध के चक्कर में पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वही इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ जारी है। था कि ये लड़की आए दिन हमारे पास शिकायत भेजा करती थी कि पापा हमको परेशान कर रहे हैं, ना खर्चा दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, इनकी माँ उस लड़की का कैसे भरण पोषण कर रही, क्या कर रही क्या नहीं कर रही। उन्हें लगभग 15 साल हुए जा रहे हैं, तब से इस लड़की को 2 रुपये इन्हें खर्चा नहीं दिया। यहाँ साल में पहुँच गए, 2 साल में पहुँच गए, इस वजह से ये लड़की यहाँ भेजी गई। तो भेजने पर भी यहाँ भी हमको बहुत सारी शिकायतें मिली, हम अपनी लड़की को समझाते रहे। सूचना सवेरे मिली है, थाने से ही सूचना गई है, यहाँ से सूचना कुछ नहीं मिली है। सूचना मिली थी कि एक अमीरा नाम की महिला ने फांसी लगा ली है। जिस सूचना पे हम मौके पे पहुँचे और FSL टीम को बुलाया और घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो उसके बाद उसके वारसान को सूचना दी गई। जो ये लेडीज पीछे एटा UP की रहने वाली है, तो उसके वारसान ने बताया कि इसका किसी लेडीज़ के साथ भी संबंध था, लड़ाई झगड़ा करता था ये इसका पति। तो मामला दर्ज कर लिया गया है और डेड बॉडी के पोस्टमार्टम कराने के बाद वारसान के हवाले डेड बॉडी कर दी है और कार्रवाई जारी है। खबर अयोध्या से है, जहां गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के 2 बाहुबलियों का अखाड़ा बनते जा रहा है। एक तरफ सपा प्रत्याशी अभय सिंह तो दूसरी तरफ है भाजपा की प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी। सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संजीव सिंह ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलवार की रात थाना महाराजगंज क्षेत्र में कनकपुर के पास सपा प्रत्याशी व बाहुबली नेता अभय सिंह व उनके समर्थकों ने भाजपा नेता विकास सिंह और उनके समर्थकों पर हमला बोल दिया और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
आज दोपहर 12 बजे पुनः उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बीकापुर के पास रामनगर की बाजार में हुआ। वहां हमारे समर्थक श्याम जी दुबे जो प्रधान भी रहे हैं वो जनसंपर्क कर रहे थे। गोसाईगंज के प्रत्याशी अभय सिंह और उनके समर्थकों ने उनके वाहनों पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जनसंपर्क कर रहे थे उन पर हमला बोलकर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने का काम किया और एक तरह से वहां गोसाईगंज की विधानसभा में पूरे चुनाव को अराजक बनाने का काम किया। जैसा कि जानकारी मिली है प्रशासन ने अभय सिंह की गाड़ियों को सर्च किया आगे जाके और जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर उन गाड़ियों में ईटा गुम्मा लाठी डंडे पर्याप्त मात्रा में गाड़ियों में रखे हुए पाए गए, जिस बात से यह प्रतीत होता है कि विधानसभा गोसाईगंज के चुनाव में वहां के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करना चाहते हैं। जो अभय सिंह का जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका लिंकेज कहां कहां से है, वह किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस गैंग से बिलोंग करते हैं, यह सब पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। आज दोपहर खबर महोबा से है जहां नियंत्रित ट्रक और में जोरदार भिड़ंत होने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है तो वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। के बीच में एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि पुलिस प्रशासन और हमारे एम्बुलेंस उठा के लेकर आए थे। हमने यहाँ पे एग्जामिन किया उसमें से एक बच्चा तो यहाँ ब्रॉडेड लाया गया था और उसमें से 5-6 और भी गंभीर घायल थे और सारे सीरियस हैं। अभी इलाज के दौरान एक और व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई हमारे अस्पताल में। हाँ, 2 ट्रक और 1 टेम्पो का परवई के पास में कबरई थाने में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हुए जिसमें 2 की मृत्यु हो गई है। एक बच्चा जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, मच्छरी में सबको लाया जा रहा है, बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर फतेहपुर से है जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सभी थानों में साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान लोगों को पैम्फलेट बांट कर जानकारियां दी गई। मिर्जापुर के हरौरा थाना क्षेत्र में बच्चों को लेकर 2 गुट में ईंट पत्थर चले और जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान 3 लोग घायल हो गए और 1 युवक की मौत हो गई है। मारपीट के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज दिया, साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जहांगीर के लड़के प्लस उनकी लड़की और प्लस उनके दामाद सभी लोगों ने इतना ज़्यादा मारपीट हो गया कि इसमें जो कि मतलब वजीर के सर फट गया, उनके लड़की उनके पत्नी को भी काफ़ी चोटें आई, इसमें जो उनके लड़के को भी चोट आया जिसको इतना ज़्यादा चोट हो गया कि उसको लेकर के इन्होंने लोगों को भाग गए हॉस्पिटल में, वहाँ पर लोगों ने इलाज कराए। इसमें जो करके हम लोग जो एफआईआर नाम लगी एफआईआर दर्ज हो चुका है, कोई पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि मृतक परिवार के आर्थिक सहायता की जैसे सहयोग मिल जाए और जो जो लोग उनको जो कि मारे हैं उन लोगों की कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे भाई के, हमारे बाप के, हमारे मतारी के मिल के सन्नो इस्ताक और गोलू गुड्डू सब कोई मिल मारा था नौकर मतारी और बाप। अच्छा, किस चीज़ का विवाद था? बच्चा का, छोटा सा बच्चा का, साल छोटा सा बच्चा का मलन बस बोल दे रहा उतने में मारे लग रहा। उसकी मौत रात में हुआ। क्या चाहती है आप लोग? इंसाफ। पारिवारिक आपसी विवाद हुआ था जिसमें थाने पर NCR और 151 की कार्रवाई की गई है। जो लड़का जो आज बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, उस लड़के का NCR में कहीं नाम दर्ज नहीं है।
पर भी उसका पीएम के लिए भेज दिया गया है। जो भी पीएम की रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से धारा बढ़ाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जहां लखनऊ कैंट से यूपी के कानून मंत्री व बीजेपी पार्टी के दावेदार ब्रजेश पाठक से हमारी संवाददाता से खास बातचीत की है। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बख्शी का तालाब में सपा प्रत्याशी गोमती यादव और पश्चिम विधानसभा सीट से कायम रजा से भी खास बातचीत की है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो चुका है। ब्रिजेश पाठक हमारे साथ मौजूद है, तो ब्रिजेश जी आपका किस तरीके से पार्टी की लहर चल रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी कैंट विधानसभा क्षेत्र के, सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और कल से ही बड़ी संख्या में लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखेंगे कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं। इस बार आपका क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा अभी दो दिन में आपको संकल्प पत्र के रूप में आ जाएगा सामने। जी। तो ये थे हमारे साथ में ब्रिजेश पाठक, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और कलेक्ट्रेट परिसर में आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने कहा है कि एक दो दिन में आज वो नामांकन कर चुके हैं और इस बार उनका कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार फिर से अपना परचम लहराएगी। इस वक्त हमारे साथ बख्शी का तालाब से अपनी दावेदारी कर रही सपा प्रत्याशी गोमती यादव हमारे साथ में मौजूद है। गोमती यादव से बात करेंगे कि इस बार उनका क्या एजेंडा रहेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस नामांकन के लिए। आपके किस तरीके के मुद्दे लेकर आप उतरेंगे जनता के बीच में? देखिए, मैं चार बार वहाँ चुनाव जीत चुका हूँ, पिछले 5 साल में कोई काम वहाँ नहीं हुआ जी। कोई काम नहीं हुआ जी। सबसे बड़ी बात है DAP नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही है। हमने इंटर कॉलेज भी एटम बनवाया है, उसको डिग्री कॉलेज बनाना था। हमने सैरपुर बाजार में इंटर कॉलेज बनाया था, उसमें पतावर लगी है। 80 बीघे का मटियारी इंटर कॉलेज जिसको गांधी जी ने बनवाया था, आज छत टपक रही है। भाजपा के लोग उसका इंतखाब लेके घूम रहे हैं, बेच रहे हैं उस जमीन को। उसको डिग्री कॉलेज बनाना है, उसको स्टेडियम बनाना है, बाबागंज रोड को चौड़ी करना है। उसमें 24 लोग बेचारे एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं, हमारी बच्चियां, दो दो बच्चियां एक घर में ख़त्म हो गई अभी पिछले महीने। ये सारे काम करना है इस बार जी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो नहीं थी जी। पिछली बार अखिलेश भैया ने मेट्रो चला दी जी। हमारे घोषणा पत्र में आगरा एक्सप्रेसवे नहीं था, अखिलेश भैया ने आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया। हमारे मैनिफेस्टो में RTCT नहीं था, अखिलेश भैया ने बना दिया। इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम था, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, अखिलेश भैया ने उसको बना दिया। कैंसर हॉस्पिटल हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, अखिलेश भैया ने उसको बना दिया। जब जो चीज़ें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था वो बना दिया, तो जो मैनिफेस्टो आएगा तो 1001% लागू हो जाएगा। आपकी देखिएगा नौजवानों के लिए कितना काम होता है। जैसे पिछली बार लखनऊ की 9 विधानसभा में से 1 सीट पे सपा को मिली थी, तो इस बार बहुत ज्यादा एक टफ एक कंपटीशन है भाजपा की वजह से। देखिए, 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। आप पहले मेरी बात देखिए, आप महाराज जी बाबा जी का कोई मीटिंग होती है तो 1 महीना पहले उसकी तैयारी करते हैं भाजपा के लोग। आदरणीय मोदी जी की जब सभा होती है तो 1 महीना तैयारी की जाती है, हजारों बसें लगाई जाती हैं, हजारों लोग लगते हैं, हजारों रुपया लगता है, लाखों रुपया लगता है, करोड़ रुपया लगता है, तब भीड़ जुटाते हैं, कुर्सियों बैठाते हैं। अखिलेश भैया का रथ निकल जाता है, 1 लाख आदमी आ जाता है एकदम से। अभी मालूम हो जाए अखिलेश भैया का रथ यहाँ निकल रहा है, अभी देख लीजिए यहाँ जाम लग जाएगा। हमारे क्षेत्र में IIM रोड से लेके और बख्शी तालाब पे कार्यक्रम था, 6 किलोमीटर की दूरी में उनको 3 घंटे लगे पहुंचने में, इतनी भीड़ थी, 1 लाख की भीड़ थी। तो उसके लोकप्रियता से अंदाजा लगाइए, हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। हर धर्म, हर वर्ग, सबको, आप टिकट देख लीजिए, सूची आप पे होगी, उस सूची में देख लीजिए, कोई विशेष वर्ग का है, कोई व्यक्ति का टिकट ज़्यादा नहीं है, हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। इसलिए हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, अखिलेश भैया जी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं जी। हर कोई सरकार अपने विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से अलग रहेगी? नहीं, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी, हम सबको लेकर साथ चलेंगे जी। इस बार अभी 1,63,000 नौकरियां हैं और 69,000 शिक्षा मित्र हैं और करीब 90,000 पुलिस की भर्तियां हैं, जोड़ लीजिए कितने, लगभग
4 लाख के आसपास तो पद खाली पड़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। इनकी तो योजना है कि गुजरात वाले आवे पूरा यूपी कब्जा कर लें। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, 2-4 गुजराती आ गए पूरे यूपी पे हमारे कब्जा किए हैं, चाहे खनन हो चाहे हो, हर चीज़ को प्राइवेट कर दो, रेलवे प्राइवेट में दे दो, एयरपोर्ट प्राइवेट में दे दो, ज़मीनें प्राइवेट में दे दो, सब कुछ प्राइवेट में दे दो, क्या होगा इस देश का, हमारे कर्मचारी क्या करेंगे, बिजली भी प्राइवेट में दे दो। अरे उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार की बात करिए, प्राइवेटाइजेशन हल नहीं होता है। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार, बसपा से उम्मीदवार कायम रजा खान हमारे साथ में मौजूद हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए सीधी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस नामांकन, बधाई हो, नमस्कार। तो आज ये बताइए, आज आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज प्रतिक्रिया ये है, बड़ी खुशी हुई, पर्चा दाखिल करके अब आप जा रहे हैं क्षेत्र में, लोगों से मिलेंगे जाके, अपनी बात कहेंगे कि हमें जिताइए और हमारी माननीय बहन जी की सरकार बनाइए। अच्छा, ये बाकी ये है कि आज एक तरीके से चुनाव को लेकर एक पहला एक चरण था, जो पहला चरण आप कर चुके हैं, आगे अब किस तरीके से आपकी तैयारियाँ और क्या क्या तैयारियाँ रहेंगी? तैयारी तो देखिए, हमारी पिछले दो साल से चल रही थी, क्षेत्र में हम बने हैं, बराबर बने हुए थे और क्षेत्र की जनता हमें चाह रही है कि आपके विधायक बनाएंगे, इन्हीं को बनाएंगे, क्योंकि हमने इतना पहले काम कर दिया लोगों के साथ में, तो आज जनता कायम रजा खान ही का नाम ले रही है। बाकी हर पार्टी विकास के मुद्दे पर बात कर रही है, हर तरीके से हर कोई विकास की बात कर रहा है, BSP का विकास और पार्टियों से किस तरीके से अलग होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का विकास जो है वो देखने में आपको, चार बार सरकारें बनी हैं, आप देख लीजिए कि कितना काम हुआ, 7 से 12 तक देख लिए, बहन जी ने जो काम कर दिया, आज तक का इतिहास है कि कोई मुख्यमंत्री इतने कार्य कर नहीं पाया। बाकी अब ये है कि मैं चाहूँगी कि एक प्राइम टीवी के माध्यम से एक मैसेज आप दें। हम हाथ जोड़ के विनती अपने क्षेत्रवासियों से करना चाहेंगे कि हमें वोट करें, हमें विधायक बनाएं और माननीय बहन जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस वक्त पश्चिम विधानसभा से हमारे साथ BSP के कैंडिडेट कायम रजा खान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि विकास के मुद्दों को लेकर वो वहाँ पर काम करने वाले हैं, हर एक कोई पर्सन विकास के मुद्दों पर बात कर रहा है और उनकी हर एक ने अपने अपने एक नए एजेंडे बना रखे हैं। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम TV, लखनऊ। तो यह रही उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।